ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहे। सो प्रेजेंटली कनाडा जिस तरह से काम कर रहा है उसमें रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सितंबर इनटेक का जो वीज़ा रेशियो चल रही है जी वो 50% है, ओनली 50%। आधे रिफ्यूज़ हो रहे हैं, आधे वीज़ा रिसीव कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारे टॉपर रिसीव कर रहे हैं रिफ्यूज़ल्स। अब ये क्यों हो रहा है और प्रेजेंटली ये जो पॉलिसी है ये मैं अब नहीं बताने वाला हूँ, ये जनवरी से इन्होंने चेंज कर दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और एजेंट्स ने अपना लक ट्राई करने की कोशिश की है जिसके कारण ये रिफ्यूज़ल देखने में इतने में ज़्यादा चल रहे हैं। बट कनाडा को सिर्फ चार चीज़ें चाहिए आपके पास। अगर ये चार चीज़ें आपके पास हैं, इफ़ यू हैविंग दीज फोर पॉइंट्स इन योर प्रोफाइल, तो आपको कनाडा का वीज़ा 110% मिलेगा। अगर आपके पास ये चार चीज़ें नहीं हैं तो आपको मुश्किल आएगी। तो चार चीज़ें कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है कनाडा में आपका एकेडमिक। आपने अगर प्लस टू की है तो आपके प्लस टू के ईच सब्जेक्ट के स्कोर, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो उसके भी स्कोर, और उसके बैकलॉग्स ना हो, हों तो इक्का दुक्का हों, ज़्यादा ना हों, एक्सटेंडेड डिग्री तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 10+2 स्टूडेंट हैं, किसी भी स्कोर में 60 से कम स्कोर ना हो, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो मतलब उनको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक मार्क्स वाइज। सेकेंडली उनको गैप्स नहीं चाहिए आपकी स्टडीज़ के अंदर, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब की है दैट्स फाइन, बट प्लस टू के 10th के बीच में एक साल का गैप, 10th और ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल का गैप, ये चीज़ें आपको वीज़ा नहीं दिलाएंगे। दैट वॉज अ फर्स्ट पॉइंट कि आपका एकेडमिक कंसिस्टेंट और अच्छा होना चाहिए, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप कोर्स लो दैट शुड बी अ प्रोग्रेसिव कोर्स। बहुत सारे बच्चे रेलेवेंसी देख रहे हैं, कनाडा रेलेवेंसी तो देखता ही देखता है, दैट इज़ अ डिफॉल्ट पार्ट, बट अब जो वो देख रहा है दैट इज़ अ प्रोग्रेशन। तो बहुत सारे बच्चे सेम जो उन्होंने कोर्स रेलेवेंट लिया होता अपनी तरफ से बट उसमें प्रोग्रेशन नहीं है एंड दे आर गेटिंग रिफ्यूज्ड। सो जो प्रोग्रेशन की लॉजिक है उसे अब हर कोई कंसल्टेंट आपको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत सारों ने ऑफिसेज तो खोल लिए लेकिन वो खुद ग्रेजुएट ही नहीं है, और कनाडा का इतना आसान वीज़ा था कि पहले किसी को देखना ही नहीं पड़ता था कुछ, बट अब कनाडा बहुत लॉजिकल वीज़ा हो चुका है। सो इट्स अ मोर ऑफ अ साइंस नॉट ऑफ अ मैथ। सो यहाँ पर आपका प्रोग्रेशन आपके कोर्स के साथ कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, अब इसको एक दो शब्द में मुझे समझाना ज़रूरी है, बट मोटे शब्दों में ये समझ लें कि जो आपने ग्रेजुएशन करी है और जो आप आगे प्रोग्राम लेके जा रहे हो उसका सब्जेक्ट्स कॉन्टेंट रेलेवेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, मतलब उसके नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई आप करते हो। सिमिलरली इफ यू आर 10+2 स्टूडेंट तो आप एक डिप्लोमा ले सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं देन गो फॉर अ ग्रेजुएशन नॉट फॉर अ डिप्लोमा अगेन। सो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज योर आयल्स एंड पीटी। इसको मैंने नंबर 3 पे रखा है क्योंकि इसका रूल फिक्स हो चुका है कि आपको आयल्स के अंदर 60 चाहिए चाहिए, उससे कम में तो वीज़ा नहीं आएगा। पीटी के अंदर यू नीड टू हैव ओवरऑल 56 एंड ईच 54-53 होना चाहिए, इससे नीचे इसमें भी वीज़ा नहीं आएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू हैव। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा, इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। अब आयल्स कोई प्रायोरिटी नहीं रह गई है, प्रायोरिटी आपकी एकेडमिक और आपका प्रोग्रेशन बन चुके हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज योर इनकम एंड फंड्स। ये बहुत 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 ज़रूरी हैं। तो इनकम कितनी शो करनी है आपको? मिनिमम 8-9 लाख इनकम शो करनी है, और ये इनकम किसी फैमिली के एक मेंबर की भी हो सकती है, फादर या मदर की, या दोनों की मिला के भी हो सकती है, फादर और मदर की दोनों की। और इनकम के अंदर कोई जे फॉर्म लगाने की बेवकूफ़ी ना करें बिल्कुल भी, एंड गो फॉर ओनली इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR रिटर्न्स, उन्हीं के थ्रू ही अपनी इनकम को प्रूफ करें। ITR फाइल्ड नहीं है तो जाकर फाइल कर दें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज फंड्स। फंड्स ज़्यादा ज़रूरत है उन बच्चों को जिनका कोर्स 2 साल या उससे ज़्यादा है। 1 साल वाले इसको इग्नोर भी कर सकते हैं एंड अपने SOP में जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर रखा है 1 साल के लिए, बट 2 ईयर्स वालों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास फंड्स होने चाहिए। GIC और फीस देने के बाद कितने फंड होने चाहिए? आपके पास फंड होने चाहिए इक्वल एंड टू योर सेकेंड ईयर फीस, मतलब जो आपकी दूसरे साल की फीस है
उतना पैसा कम से कम और आपके सेविंग में होना चाहिए। अगर आप इन चार चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ये चार चीज़ें आपके प्रोफाइल में हैं, तो आप अपना वीज़ा 110% ले सकते हैं। ब्रॉडवे की टीम से आप आके मिल सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में। सो निश्चिंत होकर ब्रॉडवे की टीम से मिलें, और जो दूसरी स्टेट से बच्चे हैं वो हमारी ऑनलाइन टीम के साथ अपना लिंक बना सकते हैं और ऑनलाइन अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द हम दूसरी स्टेट्स में भी अपने ऑफिसेज को ओपन करने जा रहे हैं। सो निश्चिंत रहे, ब्रॉडवे की सर्विसेज आपके लिए हमेशा हैं। चाहे आपने कहीं और से भी अप्लाई कर रखा है, आपको एक कन्फ्यूजन और डाउट को दूर करना चाहते हैं, तो आप मेरे लाइव शो की, जो मैं डेली करता हूँ लाइव शो है रात को 8:30 बजे, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना, और इमीडिएटली ब्रॉडवे की टीम से मिलके अपने प्रोफाइल्स को क्रैक करके कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशन जैन के लिए जल्दी से जल्दी सबमिट कर लें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।